इस पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी जेब आपकी आमदनी से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 542 अंक फिसल कर 65,241 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 145 अंक नीचे फिसल कर 19,382 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 819 अंक फिसल कर 64,963 पर आ गया था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट रही। सोना 150 रुपए सस्ता हुआ। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,100 रुपए हुई। चांदी की कीमत में भी गिरावट रही। चांदी 1700 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,000 रुपए हुई। भारत सरकार ने विदेशों से बिना लाइसेंस के लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इम्पोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि वो मेड इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगेगा, जिसका एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भारत में है, लेकिन अब इन प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। कार कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया ने एक नई जनरेशन की कार वेलफायर भारत में लॉन्च कर दी। कंपनी ने इस कार को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी डिलीवरी नवंबर तक शुरू हो सकती है। इसमें सेफ्टी के लिहाज से एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ साथ 60 से ज्यादा कनेक्टिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। इस लग्जरी कार की कीमत 1,19,00,000 से शुरू है। टाटा मोटर्स अपनी कार पंच का 2 सिलेंडर वाला सीएनजी वर्जन जल्द ही लॉन्च कर सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई है। 21,000 रुपए के टोकन मनी देकर इस कार को बुक किया जा सकता है। पंच के सीएनजी मॉडल को इसी साल ऑटो एक्सपो में लोगों के सामने रखा गया था। ये भारत की पहली माइक्रो एसयूवी होगी, जिसमें ट्विन सिलेंडर तकनीक होगी।